सो गाइस, वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। आप सबका क्या हाल है? आप सब ठीक हैं? तो अभी मैं सहरी की है मैंने, तो 5 बज रहे हैं, नींद बड़ी लेवल की आ रही है। मैं सोने लगा हूँ, उठ के मिलता हूँ फिर। तो सही हो क्या? क्या ओ तेरी, 7 बज गए हैं? मैंने लगा 5 बजे। चलो कोई नहीं, सोते हैं, मिस कराओ। टाइम क्या हो गया यार? तेरी तेरी 9:40 हो गए हैं यार। गया ओ वड़ गया यार, 9:40 हो गए। भज्जो 9 o'clock मेरी अपॉइंटमेंट थी आई सेड की, तो 9:40 हो गया, मैं अभी तक यहीं पे रुल रहा हूँ। जल्दी से मैं ना ये कपड़े हैं ये पहन के ना मिलता हूँ फिर। आए तो गाइस, कपड़े पहन लिए, पहले भी काफ़ी देर हो गई है, निकलते हैं। चलो चलो। सो गाइस, मैं अपना वो आई टेस्ट करा के आ गया हूँ। आज मेरा आई टेस्ट की अपॉइंटमेंट थी, तो वो तो हो गया है। मेरी अल्लाह का शुक्र है, कोई मुझे ग्लासेस नहीं लगी। बस मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, मुझे एक ये ड्रॉप्स मिले हैं, ये मैंने 3 वीक्स डालने हैं, तो बस और कोई मसला नहीं है। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है, रमज़ान भी ख़त्म होने वाले हैं। आज है 5th और 4 रोज़े रह गए हैं, 4 रोज़े पीछे रह गए हैं। तो पाकिस्तान में तो रोज़ों का बहुत मज़ा आता था, यहाँ तो सिंपल से रोज़े गुजरे हैं। तो पाकिस्तान वाले रोज़ों को मैंने बहुत मिस किया इस बार। तो चलें, इधर तो बहुत जल्दी गुजरे हैं, वहाँ तो बहुत मज़ा आता था पाकिस्तान में। तो अभी ईद भी आ रही है, ईद का ड्रेस मैं ले आया हूँ, लेकिन आप लोगों को मैं ईद वाले दिन दिखाऊंगा, फिर ही तो सस्पेंस पैदा होगा, वरना फिर क्या मज़ा आएगा आपको ईद वाले दिन मेरा ड्रेस देखने के लिए। मैं ब्लैक में आप लोगों को कलर बता देता हूँ, ब्लैक कलर का मेरा ड्रेस है, बहुत लेवल है। ईद वाले दिन मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो अभी टाइम हो रहा है जी जुमे का, तो आज जुमा भी था, तो जुमा पढ़ने चलते हैं फिर। अब हम मैं रेडी वगैरह होता हूँ, कपड़े चेंज करता हूँ, शलवार कमीज पहनता हूँ इस जुमे के लिए। देखें, शलवार कमीज वगैरह पहन के मैं रेडी हो गया हूँ, तो चलें अब जुमे के लिए निकलते हैं। तो गाइस, गाड़ी पार्किंग में लगा दी है, तो अब चलते हैं जुमा पढ़ने जी। मैं सुनना भी मैं लाया हूँ आज, क्योंकि कई दफ़ा जगह नहीं मिलती, बाहर पढ़नी पड़ती है। देखा गाइस, आई नो, देखें वो सारी लाइन लगी हुई है, कहीं जगह नहीं है, बाहर ही पढ़नी पड़नी है आज भी। देखें जी, सो गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का लास्ट जुमा भी पढ़ लिया है, अब मैं घर जा रहा हूँ। तो गाइस, जुमा पढ़ के मैं आके सो गया था, अब अफ्तारी में आधा घंटा रह गया, तो चले उठते हैं, देखते हैं अफ्तारी में क्या बना। तो गाइस, खाने में हमारे पास है जी बिरयानी, और उसके बाद ये समोसा चाट है, और ये फ्रूट चाट है, ये भी फ्रूट चाट ही है, और ये आलू चने हैं गाइस, उसके बाद ये पकौड़े परे हुए हैं। चलें अब इसको खाते हैं। तो गाइस, अफ्तारी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, मज़ा आ गया, बहुत भूख लग रही थी। तो अभी हमने जाना है जी क्या कहते हैं तरावियां पढ़ने। अभी क्या कहते हैं 8:40 हो रहे हैं, 9:30 पे तरावियां हैं, तो 9:30 चलेंगे। अभी थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, खाना वगैरह खाया है, तो टीवी वगैरह देखते हैं, फिर निकलते हैं 9:40 और थोड़ी 9:30। कैसे हैं आप सब? रात को तरावियां पढ़ के आके मैं सो गया था, तो अब अगला दिन स्टार्ट है, और टाइम हो रहा है 3:20। तो अभी मैंने सहरी कर ली है नेक्स्ट डे की, रोज़ा भी रख लिया है, तो अभी रोज़े में 3 घंटे रह चुके हैं, सॉरी 4 घंटे बल्कि। तो आज इस ब्लॉग को यहाँ पे करते हैं, टेंशन नहीं लेनी है, ब्लॉग छोटा था, अभी चांद रात का भी आएगा। तो नेक्स्ट ब्लॉग के साथ मिलते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।